Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्से की हालत में तलाक दी जाए तो हो जाती है या नहीं, इसको तफसील से हम ऑलरेडी कल दो दुरूस की शक्ल में देख चुके हैं। आज एक और मसले से मुताल्लिक देखते हैं कि क्या जब औरत को तलाक दी जाए तो उसका सुनना भी ज़रूरी है कि नहीं। तो देखें जी, जब शौहर तलाक दे उसी वक्त तलाक हो जाती है, औरत का सुनना ज़रूरी नहीं है। इस ज़मीन में आइए फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 12 सफ़ा 362 देखते हैं कि इसमें आता है कि तलाक के लिए जौजा ख्वा किसी दूसरे का सुनना ज़रूरी नहीं, जबकि शौहर ने अपनी ज़बान से अल्फाज तलाक ऐसी आवाज़ से कहे जो उसके कान तक पहुँचने के काबिल थे। अगरचे बहुत शोर व गुल की वजह से ना भी पहुँच सके, लेकिन इस वॉल्यूम में थे ना कि उसकी अपने कान तक तो पहुंच गए। इतनी आवाज में भी अगर कह दिया ना कि कहने वाला अपने कानों से उनको सुन सके तो भी अल्लाह के नजदीक इंदल्लाह तलाक हो गई। औरत को जब खबर हो तो वो भी अपने आप को तलाक याफ्ता ही जाने। तो ये बात जो है हमारे यहाँ बहुत सारी बातें जो है वो आम हो जाती है लेकिन उसके पीछे बेसिस नहीं होती। इसी तरह कुछ और ऐसे मामला जो हमारे यहाँ आम हो गए हैं उसकी बेसिस कोई नहीं है, इस पर भी फिर बात करते रहेंगे एक एक दर्श करके, ताकि सबके लिए ये बात वाजे और आसान और आराम से समझने वाली हो जाए।